ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। तो साकेत मुक्ति आंदोलन ने मन बनाया है कि जब आप हमें एक जगह आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं तो हम लोग खुद जा करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस आंदोलन के लोगों को तैयार करेंगे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बहुत दुर्भिक्षु सुमित रतन, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में साकेत मुक्ति आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे प्रदेशों के लोग, सभी जनपदों के लोग इसका साथ दे रहे हैं और बौद्ध अवशेषों की सुरक्षा के लिए, साकेत की रक्षा के लिए हम लोग पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था ADM लखनऊ के लिए कि मुझे वहाँ आंदोलन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए, धरना प्रदर्शन देने करने के लिए लक्ष्मण मैदान में जगह दे दी जाए, लेकिन शासन प्रशासन नहीं दे रहा है। मैंने अयोध्या में भी लिखित दिया है कि मुझे वहाँ आंदोलन करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए मुझे वहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थान दिया जाए, लेकिन अयोध्या में भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तो साकेत मुक्ति आंदोलन ने मन बनाया है कि जब आप हमें एक जगह आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं तो हम लोग खुद जा करके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस आंदोलन के लोगों को तैयार करेंगे। तो मैं आज अम्बेडकर नगर की पावन धरती पर पहुंचा हूं। ये बहुत ही क्रांतिकारी जिला है और आज हमारे साथ हैं भंतेश शरण रतन जी, ये अपना परिचय देंगे और आपको बताएंगे। बताइए। मेरा नाम भंतेश शरण रतन, अम्बेडकर नगर प्रवर क्षेत्र है, बौद्ध विहार से। हमारा कहना है जो साकेत से मुक्ति आंदोलन का ये आगाज हुआ है, हम आप सभी बहुजन उपासकों से कहना चाहते हैं कि हमारा आप सभी लोग साथ सहयोग करें और हमारे भंते जी जो भी आप लोगों से निवेदन किया, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग मिलकर के अपनी विरासत को संभालें और आने वाले समय में आप इसको, इसकी देखभाल करें। नमो बुद्धाय। जय। हमारे साथ भंते जी हैं, धम्मरतन जी हैं। बताइए भंते जी। मैं भंते धम्मरतन, शर्मा क्षेत्र बुद्ध विहार सेवा समिति के प्रबंधक, मैं तथागत भगवान बुद्ध और भंते जी के साथ में ये साकेत मुक्ति आंदोलन में साथ में हूँ और रहूँगा, और जब तक चलूँगा तब तक अपने समाज उपासकों को इस संगठन में जोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित भारत के नागरिकों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे द्वारा देश भारत के सभी राजनीतिक लोगों को, सभी सामाजिक लोगों को, सभी आर्थिक लोगों को, सभी सरकारी कर्मचारियों को, सभी बौद्ध भिक्षुओं का आह्वान किया जा रहा है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, बहुजन समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। सभी बौद्ध भिक्षु उसका समर्थन कर रहे हैं। आप साथ आए। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत।